मेरे चैनल में खुश आमदीद। मेरे से बार बार ये सवाल किया जाता है, मेरी शादी कब होगी, किससे होगी, कंपैटिबिलिटी कैसे होगी, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो सबसे पहले मेरी शादी कब होगी, अकेले अगर आप ये देखना चाहते हैं तो आपकी शादी कब होगी, तो आपके लिए ये फार्मूला लेके आए हो जिसे आप देख सकते हैं कि न्यूमेरोलॉजिस्ट जो नंबरों के साथ खेलते हैं, इल्मुल अदाद के माहिर हैं, वो शादी कैसे निकालते हैं, इसे आप चेक कर सकते हैं। 80-90% एक्यूरेट आ सकता है, दोस्तों यारों को भी हैरान कर सकते हैं। लेकिन इससे उस वक्त आपने देखना, जब आप शादी करने का इरादा बना रहे हैं, ये नहीं कि आज जब 12-13 साल के तब अपनी शादी देखना शुरू कर दें। आप 20-22 साल के हैं, 24 के, 28 की उम्र गुजरती जा रही है और आप शादी देखना चाह रहे हैं कब हो रही है, तो उसके लिए आपने इस तरीके से अपनी शादी को देखना है। ये बड़ा आसान करके मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें अगर कोई आप जब बनाए और आपको समझ ना आए तो मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे ये इतना मुश्किल भी नहीं, लेकिन इतना ईजी भी नहीं। तो इसको क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बार बार हमें प्रैक्टिस होती है, हमें बताता है अदाद कहाँ से ने लेने और कहाँ पे देने हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया। और फिर फार्मूला भी देखें कि आपने कैसे करना है और बार बार देखना है, ठीक है। शादी कब होगी, अब मैं आपको इसका ना मेथड बताने लगा हूं। बार बार आपके सवालों का जवाब देने से बेहतर है कि आप खुद निकाल लें कि आपकी शादी कब होगी। दो सवाल लोग बहुत करते हैं, एक शादी कब होगी और दूसरा सवाल ये करते हैं कि मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शादी कब होगी और इसके बाद अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि चेक कर सकूं लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। शादी कब होगी, किस साल में होगी, किस वो मालूम करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है जी। अब फर्ज करें एक शख्स का कि डेट ऑफ बर्थ जो है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, DOB मैं यूज कर रहा हूँ डेट ऑफ बर्थ के लिए, वो है 15/2/2011, ठीक है। ठीक है जी, डेट ऑफ बर्थ है 15/2/2011। तो सबसे पहले आपको लेना है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर है आपका वो दिन जिस दिन आप पैदा हुए हैं, इसको आपने हमेशा अलहदा रखना है, ठीक है। ये हो गया आपका प्राइम नंबर, ये हो गया 1+5, ये हो गया 6, ठीक है। उसके बाद आपने अपने जो बकाया नंबर है ना वो देखने हैं कि कौन से हैं, लेकिन इसमें मैं आपको बताऊंगा आपने करना किस तरह है, ठीक है जी। ये आपने अपना प्राइम नंबर ले लिया, ठीक है जी, ये क्या निकल आया 6। अच्छा, आप कंप्लीट नंबर में निकालना चाहे तो +2+2+1+1, ये निकलेगा 2 2 4 5 6 6 जमा 6 12, इसको आप कर सकते हैं 2 जमा 1 बराबर 3, तो ये आपका कंपोजिट नंबर निकल आएगा, ठीक है। लेकिन हम जो शादी के लिए देखते हैं वो हम देखते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। इसी तरह एक और मिसाल ले लेते हैं, एक और बंदे की मिसाल ले लेते हैं, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 29/10/1985, ठीक है। तो अब शादी कैसे देखनी है, ये असल क्वेश्चन है जो आप बार बार पूछते हैं। ये नंबर बड़ा अहम है, ठीक है, ये नंबर बहुत अहम है, ये नंबर इतना अहम नहीं है शादी देखने के लिए, और मैटर्स में आएगी। हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बात करेंगे, ये नंबर अहम है, ये नंबर अहम नहीं। आप करेंगे क्या, जिस साल के अंदर आप हैं वो साल इधर ऐड कर देंगे। 2022 है ना, मैं 2022 ऐड कर दूंगा, ठीक है। ये देखें, अब ये हो जाएगा 9+2, ठीक है, और ये हो जाएगा 1+2+2+2 7 11, ये हो जाएगा 18, 8+1 9, ये आपका नंबर, ये आपका नंबर है शादी का, शादी का नंबर है। अब ये एक नंबर और ये एक नंबर जो होता है, जो कि बेसिकली ये निकला, जो कि बेसिकली आपका 1+1 था,
जो कि 2 है, ये दो नंबर है एम, ठीक है। जैसे यहां 1+5 ये था 6, ये देखिए यहां पे 2 है, ये समझ गए, ये दो नंबर आपको चाहिए होते हैं, ये अहम है। इसके बाद आपने चार्ट में देखना है और आपको पता लग जाना है कि आपकी शादी कब होनी है। यहां तक आपको समझ आ गया तो फिर मैं अब आपको चार्ट बना के दिखाता हूँ, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं ये चार्ट है, इस चार्ट को आपने रट लेना है, याद कर लेना है, या इसको आपने वीडियो को देख लेना है और वीडियो में बार बार आपने ये देख लेना है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बना देगी। जैसे हमने ये देखा था 6 हमारा एक नंबर आ रहा था, हमने देखा था 2 हमारा एक नंबर आ रहा था, फिर हमने देखा था हमारा 9 एक नंबर आ रहा था, तो पर्सनल ईयर भी हमारे पास आ रहा था, ओरिजिन भी आ रहा था। फिर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, फर्ज करें एक बंदे की शादी जो है वो 29/10/2022 आज की डेट हम ले रहे थे, ये 29/10 मतलब 29/10/1970 था, ये उसकी डेट ऑफ बर्थ थी। हमने क्या किया, हमने ये लेना है, हमें इससे इतना गर्ज नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमने आज का साल यानी कि 2022 ले लेना है, 2022 चल रहा है, ये 2022 हमने ले लेना। अब इसके हमने निकालने हैं नंबर्स, इसके नंबर निकाल के हमने फिर चार्ट में देखना है कि क्या सूरत हाल है, ठीक है। अब हम इसके निकालते हैं नंबर्स, नंबर्स हम कैसे निकालेंगे जी, ठीक है, वही हो गया 2+9 आपके पास 11 का मतलब है 1+1 2 आ गया, ठीक है, ये हो गया 2, ये हमारे पास ओरिजिन नंबर आ गया। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास पर्सनल ईयर कौन सा निकल रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं 1+2+2+2, क्योंकि 1+0 तो 1 ही आएगा, 7, ठीक है। अब हमने क्या देख लिया, 7, हमारे पास क्या आ गया 7। अगर हम इस पूरे को देखें, इस पूरे को देखें, ठीक है, जो कि आपने 2 ये हो गया आपके पास +1+2+2+2 ये आ गया 9, ठीक है, ये अब आपने देखना है, ये देखिए 9। अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये समझे आप, इसका मतलब ये है कि इसकी शादी जो है वो आपसे ठीक 9 साल बाद होगी। इसकी शादी में यहां आपने 9 डाल लेने, 9 डाले 1/1/31, 2031 में शादी होगी। कितना आसान करके मैंने आपको बता दिया, आपने खुद देख लेना है आपकी शादी कब होगी, वो अलहदा से हम बनाएंगे, लव मैरिज होगी या कौन सी, फिर कंपैटिबिलिटी की वो सारी वीडियोस अलहदा होंगी। आज हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि मेरी शादी कब होगी, और मेरी शादी कब होगी का बड़ा आसान मैंने आपको बता दिया, ओरिजिनल नंबर निकालना है और पर्सनल ईयर निकालना है। पर्सनल ईयर में आपने उसका डेट ऑफ बर्थ चेंज करके ये सारा ले लेना है, ओरिजिन में आपने सिर्फ ये लेना है, ये हो गया आपका ओरिजिन नंबर, ये आपका पर्सनल ईयर निकालने का तरीका, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई भाव रह जाए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ये चार्ट आपने याद रखना है, ठीक है, इस चार्ट के हिसाब से आपने चलना। अगर किसी बंदे का 9 से आगे निकल जाए तो फिर वापस आपने 1 पे आ जाना, कुछ ना समझ आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। शुक्रिया।